राजस्थान। सांस्कृतिक धरोहरों और वीरों की भूमि। बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे कई विकास कार्यों के उपहार दिए हैं और आज 7,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स की सौगातें साथ लाए हैं। राजस्थान के नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चित्तौड़गढ़ नीमच रेल खंड पर 56 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया गया है। 140 करोड़ की लागत से कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच 155 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किया गया। साथ ही करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से आबू रोड पर तैयार है HPCL का LPG बॉटलिंग प्लांट। ये आसपास के जिलों के 104 वितरकों तक प्रतिवर्ष 86 लाख सिलेंडरों का वितरण करेगा। राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। राजस्थान को आत्मनिर्भर भारत का अहम भागीदार बनाने के प्रयासों की श्रृंखला में इंडियन ऑयल के अजमेर बॉटलिंग प्लांट की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान किया है, जिससे कि LPG आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार हो और आपूर्ति में व्यवधान से बचा जा सके। वहीं 4500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 900 किलोमीटर लंबी मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन राजस्थान के घर घर तक CNG और PNG कनेक्शन पहुंचाएगी और वायु प्रदूषण कम करने में भी साथ निभाएगी। राजस्थान को प्रगति पथ पर ले जाने को तैयार है न्यू नेशनल हाईवे 52, 1400 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाली 49 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क दरा से शुरू होते हुए 3 धार झालावाड़ के बीच की दूरी कम करती है और लोगों को व्यापार और बाजार से जोड़ती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर शहर में ओवरब्रिज, नाथद्वारा में आधुनिक पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्र और अन्य पर्यटक सुविधाएं, एजुकेशन हब कोटा में 120 करोड़ से अधिक की लागत से नव निर्मित IIIT, डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और ये सब एक कदम है राजस्थान में व्यापार व्यवसाय, रोजगार और तरक्की के नए अवसर बनाने की ओर। और भारत की ग्रोथ में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाने की ओर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण।